हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो के अंत तक मैं आपको दुनिया के 5 सबसे छोटे खूनी बच्चों के बारे में बताने वाला हूं, जिन्होंने अपने बचपन में ही बड़ी बेरहमी से किसी न किसी का खून कर दिया है। तो इन खतरनाक बच्चों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। नंबर 5, अमरदीप साडा। दोस्तों अमरदीप साडा बिहार का रहने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर है, जिसने महज 7 साल की ही उम्र में अपना पहला खून किया था। और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस 7 साल के बच्चे ने महज 1 साल में 3 लोगों का खून कर डाला था, और वो सभी छोटे छोटे बच्चे थे। यहाँ तक कि दोस्तों इस बच्चे ने तो अपनी खुद की 8 महीने की बहन तक को नहीं छोड़ा। और हैरानी वाली बात ये है कि किसी को ये नहीं पता कि आखिर वो क्या वजह थी जिसने अमरदीप को मासूम बच्चों का खून करने पर मजबूर कर दिया। पर दोस्तों तीसरी बार एक 6 महीने की बच्ची के सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या करने के बाद न जाने अमरदीप के दिमाग में क्या आया कि उसने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद उसे बाल सुधार केंद्र में भेज दिया गया। नंबर 4, क्रेग प्राइस। दोस्तों क्रेग प्राइस सिर्फ 13 साल का था जब इसने अपने पड़ोसी की बच्ची की चाकू मारकर हत्या कर दी थी, पर उस वक्त वो पकड़ा नहीं गया। एक दिन नशे में चूर होकर क्रेग ने दोबारा अपने पड़ोस में रह रही एक महिला और 2 बच्चियों पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो गई। और दोस्तों उस वक्त क्रेग महज 15 साल का था और इस बार वो बचकर भाग नहीं पाया। पुलिस ने क्रेग को पकड़ने के बाद जब पुराने खून की और नए खून की कड़ियों को जोड़ा तो उन्हें पता चला कि दोनों खून क्रेग ने ही किए थे। दोस्तों जुर्म साबित होने के बाद क्रेग को जेल भेज दिया गया, पर वहाँ भी इसने इतनी मारपीट और झगड़े किए कि इसकी सजा और 25 साल बढ़ा दी गई। दोस्तों आपको क्या लगता है आखिर वो क्या वजह रही होगी कि इतने छोटे बच्चे इतनी कम उम्र में किसी का खून कर दिए होंगे? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 3, जैस्मिन रिचर्डसन। दोस्तों अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को बुरी संगत से दूर रखने की सलाह देते हैं। कई बच्चे इस बात को मान लेते हैं तो कुछ नहीं मानते, और जैस्मिन उन्हीं बच्चों में से एक थी। महज 12 साल की उम्र में वो जेरेमी स्टिंक नाम के एक 23 साल के लड़के को पसंद करती थी, जो कि ड्रग्स लेता था और जिसे कई और बुरी आदतें भी थी। और इसलिए दोस्तों जैस्मिन के माता पिता उसे जेरेमी से मिलने से रोकते थे, लेकिन जैस्मिन के सिर पर प्यार का भूत सवार था और वो जेरेमी के लिए अपने ही माता पिता से लड़ जाती थी। आखिरकार अपने माता पिता की रोक टोक से तंग आकर जैस्मिन और जेरेमी ने मिलकर उनकी हत्या कर दी। यहाँ तक कि जैस्मिन ने तो अपने 8 साल के भाई तक को भी मार डाला, जिसके बाद दोस्तों कम उम्र की वजह से जैस्मिन को तो मेंटल अस्पताल भेज दिया गया, लेकिन जेरेमी को 25 साल की जेल हुई। नंबर 2, माइकल हर्नांडिस। दोस्तों नॉर्मली एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का यही सपना होता है कि पहले वो अच्छे नंबरों से पास हो और फिर अच्छी सी नौकरी करे या फिर खुद का ही कोई बिजनेस खड़ा करे। पर साउथ फ्लोरिडा का रहने वाला माइकल हर्नांडिस एक ऐसा बच्चा था जिसे दुनिया का सबसे बड़ा खूनी बनने का शौक था। दोस्तों इस बच्चे का ये सपना था कि पूरी दुनिया उसे सबसे बड़े खूनी के नाम से जाने, और इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने 14 साल की ही उम्र में अपने बेस्ट फ्रेंड जेमी गौह की 40 बार चाकू मारकर हत्या कर दी थी, और वो भी स्कूल के बाथरूम में। दोस्तों अरेस्ट होने पर माइकल ने बताया कि अभी वो और 2 बच्चियों की हत्या करने वाला था, पर उनकी किस्मत अच्छी निकली कि वो बच गए। वैसे एक तरह से माइकल का सपना तो पूरा हो ही गया, और सिर्फ एक शहर क्या बल्कि पूरी दुनिया उसे एक खूनी के नाम से जान गई। नंबर 1, मैरी बेल। दोस्तों ये लिस्ट बिना इस लड़की को शामिल किए पूरी नहीं हो सकती। मैरी बेल ब्रिटेन की सबसे कम उम्र की खूनी है, जिसके ऊपर एक छोटी फिल्म भी बनी है। दरअसल 10 साल की ही उम्र में मैरी ने 2 छोटे छोटे नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चों की गला घोटकर हत्या कर दी थी, जिसमें एक बच्चा 3 साल का और दूसरा 4 साल का था। दोस्तों 11 साल की उम्र में पुलिस ने मैरी को अरेस्ट किया और उसे मेंटल अस्पताल भेज दिया गया। बाद में ये बात सामने आई कि बचपन में मैरी का भी शारीरिक और मानसिक शोषण हुआ था, शायद इसीलिए उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। बाद में दोस्तों 23 साल की उम्र में मैरी को अस्पताल से रिहा कर दिया गया और उसे एक नया नाम और एक नई पहचान दे दी गई, जिसके बाद उसकी एक बेटी हुई और एक पोती भी। मैरी का केस काफी अलग था, क्योंकि बड़े होने के बाद भी मैरी ने कभी ये दावा नहीं किया कि वो निर्दोष है, और उसने जो भी गुनाह किए उसकी वजह उसके साथ हुआ शोषण था, बल्कि वो तो इस बात को मानती थी कि उसने अपराध किए हैं जिसके लिए उसे सजा मिलनी ही चाहिए।
तो दोस्तों इन सभी खूनी बच्चों में से आपको कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा खतरनाक लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।